एमपी के रीवा में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने संभाला मोर्चा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण से पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल उठे हैं। भयावह स्थिति होते देख अब कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने मोर्चा संभाला है। पिछले दो दिनों से पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह, कलेक्टर इलैया राजा टी स्वयं मैदान पर उतरकर लोगों को समझाइश दे रहे हैं। शुक्रवार को आई रिपोर्ट ने जिले वासियों के लिए सबसे बड़ी चिंता पैदा कर दिया है। एक दिन में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 300 के पार आई है। शनिवार को सुबह पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह स्वयं डंडा लेकर मैदान में उतरे और लोगों से अपील की है कि अगर अति आवश्यक कार्य हो तभी बाहर निकले। अगर आपके घर से बाहर निकले बिना काम होने की संभावना है तो बिल्कुल घर से बाहर ना निकले। अगर स्थिति नियंत्रण से बाहर हुई तो सभी के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। हालांकि इस दौरान भी पुलिस प्रशासन से कुछ लोग उलझते दिखे। निश्चित तौर पर आकर शहरवासी सतर्क नहीं हुए तो स्थिति बेकाबू हो जाएगी। आइए दिखाते हैं पुलिस कर्मचारियों से किस तरह लोग उलझ रहे हैं और पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह का जिले वासियों से क्या कहना है। भैया 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 नजर आ रहे हैं सिंघम के रूप में, नजर आ रहे हैं, क्या कारण है? उपद्रव की बात नहीं है, बात यह है कि कल जो सैंपल रिपोर्ट आई है वो पूरे रीवा के लिए बहुत अलार्मिंग है। उस रिपोर्ट के अनुसार यहाँ का हर दूसरा आदमी कोविड पॉजिटिव है और हर दूसरा आदमी कोविड पॉजिटिव होना लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि हमको हफ्ता 15 दिन घर में ही रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। रीवा को बचाना है कि सड़क पर निकल के तफरी करना है कि स्वादिष्ट व्यंजन खाना, ये रीवा के लोगों को तय करना पड़ेगा। अनावश्यक निकलना, अनावश्यक तफरी करने के लिए निकलना, शासन के दिशा निर्देशों को न मानना, ये निहायत गलत बात है। मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि घर से बाहर ना निकलें, कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करें, मास्क लगाएं, सुरक्षा का ध्यान रखें, अपना अपने बच्चों का ध्यान रखें। यह इस बार का जो वेरिएंट है कोरोना का, छोटे बच्चों को भी प्रभावित कर रहा है। पूरा पुराना वाला बच्चे रहते थे। कृपया अपने बच्चों को लेकर कदापि ना निकलें और आप तभी निकलें जब निकले बगैर काम न चले। अनावश्यक तौर पर निकल के गड़बड़ी ना करें और मेरे द्वारा और मेरे स्टाफ के द्वारा कार्रवाई इसलिए मैं स्वतः आया हूँ कि मेरे अपने स्टाफ का हौसला बढ़ा सकूँ जो 8-8, 10-10 घंटे रुक कर एक पॉइंट पर रह कर ड्यूटी कर रहा है। ये सामान्य ड्यूटी नहीं है, अपना जीवन खतरे में डाल के हमारे सभी लोग ड्यूटी कर रहे हैं। हमारे FTI साहब सहित 9 लोग जो है कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। तो हम लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं, लोगों के जान बचाने का संघर्ष कर रहे हैं, अपनी जान खतरे में डाल के हमारे लोग कर रहे हैं। कृपया हमारे लोगों को कोऑपरेट करिए, आपके अहंकार और आपके झूठे स्वाभिमान से बड़ा कुछ भी नहीं है। रीवा के हर आदमी के जीवन से बड़ा आपका अहंकार नहीं हो सकता। कृपया करके पालन करें, आप 10 दिन बाहर नहीं निकलेंगे पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। कृपया इस बात का पालन करें और रीवा को कोविड से बचाएं। यह अकेला प्रशासन का काम नहीं है और अन्यथा जो है स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी। प्रशासन के हाथ में व्यवस्था रहे इसलिए प्रशासन का सहयोग करें। क्या माना जाए सर, अब प्यार से बहुत हुई बात, अब SP राकेश सिंह का चलेगा डंडा? नहीं, पूरा डंडा चलेगा, जो नहीं मानेगा वो पिटेगा भी और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री जी ने भी बोला है कि सख्ती से प्रोटोकॉल, सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराया जाए। कल बैठक में भी माननीय जनप्रतिनिधियों ने भी बोला कि आप तो जितनी सख्ती करिए वरना बिना सख्ती के लोग नहीं मानेंगे। उनके लिए मैसेज देंगे कि वो लोग रीवा के दुश्मन हैं, वो रीवा के लोगों से उनको बिल्कुल प्यार नहीं है। वे जो है कोरेस का धंधा करने वाले और गांजे का धंधा करने वालों से भी ज़्यादा नीच कर्म कर रहे हैं जो इस तरह बाहर निकल रहे हैं। सर, विश्वविद्यालय पुलिस ने आज कुछ ही घंटे में हत्या खुलासा किया, क्या था?